हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ टाइज, स्टीरअप एंड रिंग्स इन बीम एंड कॉलम फॉर रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और सर्कुलर टाइज, स्टीरअप एंड रिंग्स के लिए। तो कटिंग लेंथ का फॉर्मूला होता है कटिंग लेंथ ऑफ रिंग इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ शेप, शेप यहाँ पे आपका स्क्वायर, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर हो सकता है, प्लस टोटल हुक लेंथ माइनस टोटल बैंड लेंथ। रेक्टेंगुलर आपको निकालना है तो आपका होता है फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू टू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका 4 इंटू साइड ऑफ लेंथ, पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर होता है आपका 2 पाई आर, यहाँ पे आप 2 आर को डी भी लिख सकते हैं। अब हम निकालेंगे सबसे पहले कटिंग लेंथ फॉर रेक्टेंगुलर टाइज, स्टीरअप एंड रिंग्स। हमने रेक्टेंगुलर कॉलम अज्यूम कर लिया है या बीम जिसकी साइज है 230 mm इंटू 450 mm, यहाँ पे हमने कवर ब्लॉक अज्यूम किया है 20 mm का, एंड इसके अलावा हमने स्टील जो यूज कर रहे हैं टाइस स्टीरअप या रिंग के लिए 8 mm का। तो हमने यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस x मान लिए, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस y मान लिए। अब हमें x और y निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो कवर ब्लॉक का एरिया उसे माइनस कर देंगे टोटल में से, तो हमारा x निकल जाएगा। तो 230 हमारा टोटल है, उसमें से यहाँ कवर ब्लॉक -20 -20, तो आपका x आ गया 190 mm। इसी तरीके से हमने y निकाला 450, यहाँ से कवर ब्लॉक -20 -20, यहाँ पे आ गया 410 mm आपका। इसके बाद आपको निकालना है टोटल लेंथ ऑफ हुक लेंथ। तो आपका यहाँ पे कितने 2 हुक लेंथ आ रहे हैं, जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पे आपके 2 हुक लेंथ है, यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ ये आपके 2 आ रहे हैं, तो ये आपको 9D + 9D हो गया, तो आपका हो गया 18D। तो ये आपका हो गया 18D, और D क्या है, डायमीटर ऑफ बार जो हम यूज कर रहे हैं, तो 8 का हम यूज कर रहे हैं पहले अज्यूम कर लिया, इनटू किया हमने 144 mm आ गया आपका। इसके बाद आपको निकालना है टोटल लेंथ ऑफ बैंड, यहाँ पे 3 बैंड है आपके 90 के एंड 2 बैंड है 135 के। तो आप यहाँ देख पाएंगे फिगर में कि ये 90 एंगल पे है, ये भी 90 पे है, ये भी 90 पे है 3 बैंड। इसके अलावा 2 बैंड जो है ये डेवलपमेंट लेंथ, ये कितने पे हो रहा है 135 डिग्री पे। तो अब इसे हमने कैलकुलेट किया 3 × 2D + 2 × 3D, इसे हमने सॉल्व किया, हमारा आएगा 96 mm। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है कटिंग लेंथ फॉर रेक्टेंगुलर के लिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लस टोटल हुक लेंथ माइनस टोटल बैंड लेंथ। अब हमने रेक्टेंगुलर के निकाल लिया, हुक लेंथ निकाल लिया है, बैंड लेंथ निकाल लिया है। अब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, अब यहाँ पे आप देखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस टोटल हुक लेंथ 144 निकाला हमने माइनस टोटल बैंड लेंथ 96। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 1248 mm। अगर आपको कॉलम या बीम इस साइज की है और आपको यहाँ पे स्टीरअप टाई से रिंग यूज करना है, तो आपको 8 mm का एक स्टील जो लेंथ कट करना है वो आपको 1248 mm का करना है, तो आपका एक स्टीरअप रिंग्स या टाइस बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले पे, कटिंग लेंथ फॉर स्क्वायर टाइस स्टीरअप एंड रिंग्स कैसे निकालेंगे हम। तो यहाँ पे भी हमने डाटा अज्यूम किया है, कॉलम या बीम साइज हमने अज्यूम कर लिया 450 mm × 450 mm, यहाँ पे भी हमने x एंड y अज्यूम कर लिया है, एंड कवर ब्लॉक 20 mm का हम दे रहे हैं, स्टील बार हमने 8 mm का यूज किया है। तो यहाँ पे x आपका हो गया 450 - 20 - 20 कवर ब्लॉक आपका आ गया 410 mm। इसी तरीके से आ गया 450 - 20 mm - 20 mm आपका आ गया 410 mm। इसके बाद हम वापस से निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ हुक, यहाँ पे 90 + 90, जैसा कि आपने देखा होगा फिगर में 2 आपके डेवलपमेंट लेंथ है, तो आपके 18D हो गए, हमने इंटू किया 8 से 144 mm हो गया 8, यहाँ पे हमारा स्टील जो हम यूज कर रहे हैं टाई स्टीरअप या रिंग्स के लिए वो डायमीटर है। अब हमने टोटल लेंथ ऑफ बैंड निकाला, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 3 आपके 90 डिग्री पे बैंड हो रहे होंगे और 2 आपके 135 डिग्री पे। तो फिर हमने यूज किया 3 × 2D + 2 × 3D, इसे हमने सॉल्व किया, हमारा आया 96 mm। इसके बाद आपका कटिंग लेंथ ऑफ स्क्वायर, तो आपका आ गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस टोटल हुक लेंथ माइनस टोटल बैंड लेंथ।
अब आप देख पाएंगे 4 इंटू साइड ऑफ लेंथ आपका 410 है, प्लस हुक लेंथ आपका आ गया 144 माइनस बैंड लेंथ आ गया 96। इसे आपने सोल्व किया आपका आएगा 1688 mm। अगर आपको 450 इंटू 450 साइज के कॉलम या बीम में स्टीयप या रिंग या टाइज के लिए लेंथ काटना है स्टील का, तो आपको कितना काटना होगा 1688 mm। तो आपका एक स्टीयप टाइज या रिंग्स बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम निकालेंगे कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर टाइस स्टीयप एंड रिंग्स। तो यहाँ पे हमने फिर से डाटा ज्यूम कर लिया है कि हमारे पास कॉलम या बीम की साइज है 1000 mm, कवर ब्लॉक हमने इस्तेमाल किया 25 mm, एंड स्टील जो हम यूज कर रहे हैं टाइस स्टीयप और रिंग्स के लिए 8 mm। तो यहाँ पे आपने डी निकाला, डी इक्वल टू 1000 माइनस कवर ब्लॉक माइनस कर दिया दोनों साइड से, 25 माइनस 25 आपका आ गया 950 mm। ऐसे ही आपने निकाल लिया लेंथ ऑफ रिंग्स जो आपके पाई डी, यहाँ पे पाई क्या 3.14, डी आपका ये ऊपर निकाल लिया 950 इंटू किया हम आरा आ गया 2983 mm। इसके बाद आपका टोटल लेंथ ऑफ हुक 9D प्लस 9D, यहाँ पे आप देख पाएंगे दो हुक डेवलपमेंट लेंथ थे तो यहाँ पे आ गया 18D, यहाँ पे 18 × 8 144 mm। इसके बाद आप निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ बैंड, यहाँ पे आप देखा होगा कि दो बैंड हो रहे होंगे 135 डिग्री पे, यहाँ पे सर्कुलर में सिर्फ आपके यहाँ पर दो बैंड है जो 135 डिग्री पे हो रहे हैं, इसके अलावा यहाँ 90 डिग्री का बैंड नहीं है। तो हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे आपका 2 × 3D, इसे हमने सॉल्व किया 480 mm आ गया। हमारा फॉर्मूला होता है कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल प्लस टोटल हुक लेंथ माइनस टोटल बैंड लेंथ। यहाँ पे हमने सर्कुलर का पेरीमीटर ऑफ सर्कल निकाल लिया था 2983 प्लस हुक लेंथ ऊपर निकाला हमने 144 माइनस बैंड लेंथ निकाल लिया हमने 48, इसे हमने सॉल्व किया 3079 mm आ गया। अगर आपको एक स्टीयप रिंग से टाइस इसके लिए बनाना है तो आपको एक स्टील लेंथ 8 mm का कितने का काटना होगा, 3079 mm का। इसके अलावा ये सभी डाटा दोस्तों मैंने अज्यूम किया है कॉलम और बीम के लिए, लेकिन आपको ये ड्राइंग में गिवन होगा, आपको उस बेस पे निकालना होगा जैसे कि स्टील कितने एमएम का यूज हो रहा है, कॉलम साइज क्या है या बीम साइज क्या है, कवर ब्लॉक कितने का लग रहा है, ये सब आपको गिवन होगा, उस बेस पे आपको निकालना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय।